जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि दोस्तों सुविधा कर्मचारियों, हस्ता कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, साथ ही रसोई कर्मचारी संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है, चाहे आपके मानदेय बढ़ोतरी संबंधित हो या आपके स्थायीकरण संबंधित हो, दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो सभी राज्यों के लिए सुविधा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। खाली पदों पर सुविधा कर्मचारियों करें नियमित, विधि मंत्री ने भेजी है नोट सीट। तो दोस्तों सभी राज्यों के है वो सुविधा कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारी संबंधी न्यूज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य में सुविधा कर्मचारियों का मानदेय में बढ़ोतरी होने वाली है, कौन से राज्य में आपकी है कर्मचारियों का है वो नियमितकरण होने वाला है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, सभी राज्यों की सभी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों सुविधा कर्मचारी और ऐसा कर्मचारी संबंधित किसी भी राज्य की छोटी छोटी खबर होती है लगातार हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। साथ दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से राज्य में एज ए सुविधा कर्मचारी, एज अस्थायी कर्मचारी कार्य करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं, ताकि दोस्तों आपके राज्य की सुविधा कर्मचारी न्यूज होगी तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो पूरी खबरें पूरा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही खबर देख लेते हैं कि खाली पदों पर सुविधा कर्मचारी को करें नियमित, विधि मंत्री ने भेजी है नोट सीट। दोस्तों हाल ही का ही न्यूज़ है और मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि आपके मध्य प्रदेश में है जल्दी ही नियमितीकरण होने वाला है, और देख सकते हैं दोस्तों ये न्यूज़ पेपर में आपका हाल में खबर भी छपा है। खाली पदों पर सुविधा कर्मचारी करें नियमित, विधि मंत्री ने भेजी है नोट सीट। विधि और विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को नोट सीट लिखकर कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर आपकी है सुविधा कर्मचारी को नियमित किया जाए। शर्मा ने सुझाव भी दिया है कि नियमितीकरण के लिए वरिष्ठता को आधार बनाया जाए। मंत्री ने नोट सीट में कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वचन पत्र में इन सुविधा कर्मचारियों को नियमित करने का वचन दिया गया है। शर्मा ने लिखा कि विभिन्न विभागों, योजनाओं, परियोजनाओं, निगम मंडल, सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों में कई सालों से सुविधा कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन संस्थाओं में आपके है सुविधा कर्मचारी को है वो नियमितीकरण किया जाए। वे पद खाली भी पड़े हैं, ज्यादातर कर्मचारी नियमित पदों पर काम भी कर रहे हैं। विधि मंत्री ने कहा कि यदि पद पर सुविधा कर्मचारी को वरिष्ठता के आधार पर नियमितीकरण किया जाता है तो सरकार पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं आएगा। नोट शीट में लिखा गया है कि इन कर्मचारी को नियमितीकरण का आदेश जारी करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग जारी करे। इस मुद्दे पर जीएडी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी से बाहर थे, इसलिए नोट शीट अभी नहीं देख पाए हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर हम कहें तो सरकार यहाँ विचार जरूर कर रही है कि सुविधा कर्मचारियों का है वो आपका स्थायीकरण उनका किया जाएगा। स्थायीकरण किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो ये स्थायीकरण आपका है वरिष्ठता, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने कितने साल तक उस डिपार्टमेंट में उसमें पोस्ट पर आपने काम किया है, उसको सभी को पूरा मापदंड रखा जाएगा, उसी के बाद में दोस्तों आपका स्थायीकरण किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका राजस्थान में भी आपको अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि और आपको मध्य प्रदेश में है कभी भी अच्छी खबर मिल सकती है, नहीं आपको स्थायीकरण और आपकी मानदेय बढ़ोतरी है वो होने वाली है। शायद दोस्तों ये लेटर आपका जारी हुआ है संचालय स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश की द्वारा। लगातार इनकी मांगे रहती है कि जो भी सुविधा कर्मचारी है उनका मानदेय बढ़ोतरी के साथ ही उनका स्थायीकरण भी किया जाए। शायद दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अगले महीने यानी दिसंबर माह में है संसद में आपका शीतकालीन सत्र चलने वाला है। पिछले सत्र में है संसद में एनडीए गवर्नमेंट ने है वो आपका समान काम समान वेतन साथ ही न्यूनतम वेतन बिल है वो पेश किया था, और एनडीए गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसी वजह से वो आपका है पास नहीं हो पाया था और कानून नहीं बन पाया था। दोस्तों इस बार राज्यसभा में भी एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत है और वहाँ से वह है पास होने के पूरे पूरे चांसेस जताए जा रहे हैं। अगर दोस्तों वो पास होके यानी समान काम समान वेतन साथ न्यूनतम वेतन का बिल है वो पास हो जाता है तो उसके बाद में है सभी जो कर्मचारी हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी, जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर होगी, उनका न्यूनतम मानदेय है न्यूनतम वेतन है वो 18,000 रुपये हो जाएगा और सभी डिपार्टमेंट और सभी जगह ये चीज़ लागू
हो जाएगी। तो लगातार हम इंतजार कर रहे हैं, लगातार इस न्यूज़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही कोई इसके रिलेटेड और न्यूज आएगी या किसी राज्य से न्यूज आएगी तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।